अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़ाचा वाला। आज मैं आपको 12 तरीके दे रहा हूं दैट विल हेल्प यू मेक मनी इफ यू नो हाउ टू डू ऑटोकैड। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ये उमूमन पाकिस्तान में सिखाया जाता है, खासतौर पर जो मेरे भी स्कूल्स हैं और वहां पे सिखाया जा रहा है बतौरे डिजाइन। जो आप बिल्डिंग्स कर रहे हो यानी आर्किटेक्ट की मदद कर रहे हो एक बिल्डिंग को, यानी फर्ज कीजिए किसी ने कोई स्कूल बनाना है, कोई ऑफिस बनाना है, कोई विला बनाना है, कोई कोठी बनानी है, तो उसको पहले कंप्यूटर पे डिजाइन किया जाता है, उसके नाप तोड़ लगा के कि जिसमें ये कमरा यहाँ पे होगा, ये बाथरूम यहाँ पे होगी, ताकि जो खरीदार है वो देख सके। नक्शा बनाने का एक तरीका होता है लेकिन ऑलमोस्ट 3D, लेकिन इसका यही सिर्फ मकसद नहीं है, बिकॉज इससे इस कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एक तो पेंसिल एडेड डिजाइन हो गया ना, ये पेन एडेड डिजाइन, ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर से कोई चीज डिजाइन करना। लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कि जो दूसरी इसकी चाहें हैं उनसे आप कैसे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, 12 चीजें मेरे पास एंड सुनते जाओ, अगर आप 12 की 12 इंप्लीमेंट कर सकते हो तो फर्स्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1,00,000 रुपया फी महीना होना चाहिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो सीख रहे हैं, इनफाक के जो IT सेंटर्स हैं वहां पे सीख रहे हैं, कोर्सेज मुकम्मल होती जा रही है, और मैं महसूस करता हूँ कि लोगों को नहीं पता कि अब मैंने ये सीख लिया इससे पैसे किस तरह कमाओ। ठीक है, नंबर 1, अपनी एक वेबसाइट बनाओ जहां पे अपना पूरे का पूरा पोर्टफोलियो आपने डालना है। प्लीज कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा, लाजमन किसी और का चोरी हुआ काम है वहां पे नहीं ठोकना। अगर आप जो फ्री आपको ट्यूटोरियल्स मिलते हैं अगर वो वहां पे लगा रहे हो, लगाओ तब जब आपने मॉडिफाई कर दिए, और जब आपने मॉडिफाई भी कर दिए वहां पे नीचे जरूर लिखो कि ये फलां फलां से मैंने चीज ली है लेकिन अपनी मैंने उसमें थोड़ी डाली है, क्योंकि आप नहीं जो दूसरे आपकी इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट्स कह लो जिन्होंने आपको बाद में काम देना है, या ऑटोकैड जो डिजाइनर है उन्होंने आपको पकड़ लेना है, एंड उनकी नजर में आपकी वैल्यू गिर जानी है, एंड दैट्स गोना अफेक्ट, वो फ्यूचर में अफेक्ट करेगा कि आपको काम कितना मिलता है। ठीक है, एंड चोरी किया हुआ काम कभी भी इट्स नेवर गुड थिंग, कभी भी नहीं कहना चाहिए जी मेरा है, वन इट्स नॉट योर्स। लेकिन अगर आप कह देते हो कि ये जी मैंने, और उसके ऊपर नीचे लिख दो जी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है ट्यूटोरियल, तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, अगला समझेगा यार ये थोड़ा बंदा ऑनेस्ट किस्म का बंदा है, विच माशाल्लाह यू आर आई एम श्योर। नंबर 2, आप एक छोटा सा ऑफिस ले लो, दुकान ले लो, ऑफिस ले लो, जो भी है, बेशक पिछली गली में क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि आप मेन गली पे हो, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एन ऑफिस। और इसमें क्या है, 2 फायदे हैं इसके, एक तो आप मेंटालिटी में चले जाओगे, ज़हनियत में चले जाओगे जी मैंने दफ्तर जाना है, मैं दफ्तर में बैठा हूँ एंड काम कर रहा हूँ, मैं गार्डनी बैठा हूँ, आई एम नो लॉन्गर अ स्टूडेंट। और नंबर 2, जब आपके क्लाइंट्स होंगे उनको लाना एक जगह पे आसान हो जाएगा, उनको बिठाना, और वो थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो जाती है कि यार ये बंदा थोड़ा सीरियस अपने काम को ले रहा है, क्योंकि इसका अपना दफ्तर भी है और माकूल सा दफ्तर होना चाहिए, एक कमरे नुमा भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज कि उसके उसमें एक बाथरूम है और क्लाइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड एक अपना डेस्क होना चाहिए, और चंद कम अज कम 3 सीटें उनके लिए हों जो आपके सामने बैठे होंगे और आपको उनको दिखाना है, एंड ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ लाइट एंड सो फॉर। ठीक है, तो ये था नंबर 2, अपना दफ्तर होना, और आप पिछली गलियों में बआसानी सस्ते से ले सकते हो, छोटी सी लीज पे ले लो, अल्लाह करेगा चल पड़ेगा काम, बट जस्ट इन केस बाद में आप माइंड चेंज करते हो या आपको कहीं दूर जाना है तो आपकी ज्यादा पैसे जाया नहीं होंगे, ना आपकी ज्यादा कमिटमेंट होगी। नंबर 3, पहली चीज जो आपने दफ्तर में करनी है, इसके जितने आपके जानने वाले हैं, मे बी एक्स टीचर्स, एक्स कॉलीग्स, जो स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते रहे हैं, रिश्तेदार जो आप प्रोफेशनल हैं अच्छे उद्दूम पे एक्सेट्रा, अम्मी अबू एवरीबडी, सबको फोन करना और बताना कि ये मैं काम करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, आप किसी को अगर जानते हो तो मेरी तरफ उनको एज ए क्लाइंट रेफर कीजिए, एंड यू नो रिश्तेदार उमूमन करेंगे, स्पेशली इफ दे प्राउड ऑफ यू एंड यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो एंड योर फ्रेंड्स विल डू द सेम। सो पहली चीज इन पे आप इनको कॉल कीजिए, फोन पे, सोशल मीडिया पे, इन फिजिकली जाके बेशक इनको बताना है जी मैं ये काम कर रहा हूँ अभी एंड ये मेरा बिजनेस है, उनको कार्ड वगैरह थमा दीजिए एंड उनको कह दीजिए कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है जिसने मकान बनाना है, कोई घर बनाना है, तो मेरी तरफ उनको रुजू कीजिए, यानी सेंड देम माय वे। नंबर 4, फोन डायरेक्टरी लीजिए, येलो पेजेस लीजिए, गूगल लीजिए, और अपने इलाके में जितने भी बिल्डिंग फर्म्स हैं और आर्किटेक्ट जो फर्म्स हैं उनको फोन लगाइए और बताइए कि मैं फलाफा, अपना इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना उनको एड्रेस दीजिए, वेब एड्रेस दीजिए, अपनी वेबसाइट दीजिए, और कहिए ये मैं काम करता हूँ। जो बिल्डर्स हैं उनको तो इसलिए क्योंकि इफ दे नीड ऑटोकैड डिजाइनर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो आर्किटेक्ट फर्म्स हैं वो इसलिए कि अगर उस आर्किटेक्ट फर्म को एक ऑटोकैड डिजाइनर चाहिए अपने दफ्तर में, या उनके पास ज्यादा काम हो चुका है, दे नीड एन एक्स्ट्रा उनको हेल्प चाहिए, या फर्ज कीजिए उनका जो रेगुलर बंदा है वो स्लो है, या वो उस वक्त बीमार है, कोई भी वजह हो सकती है, या
आपने वो पते में आपके भी डिटेल्स लिख देंगे कि अगर कभी बिजी हो जाते तो आपसे वो रुजू करेंगे, दे विल गेट इन टच एंड वो अप्रिशिएट करेंगे कि ये बंदा खुद अपनी तरफ से एक्टिवली इन टच हो रहा है। और कोशिश कीजिएगा कि 10-20 किलोमीटर से ज्यादा बाहर ना जाइएगा, बिकॉज एक तो आपको वहां पे पहुंचना है, आपको जल्दी पहुंचना है, आपको आसानी से पहुंचना है और उनको भी आपकी तरफ पहुंचना है। सो मेक श्योर कि आप अपनी क्या कहते हैं ज्यादा चादर नहीं फैला देते, यू डोंट थिन योरसेल्फ आउट ताकि आप दूर दराज इलाकों में ना पहुंच सको एंड दैट हार्म्स बिजनेस। सो यानी जितनी हिम्मत है पहुंचने की उतना ही दायरा खुला रखिएगा, ठीक है। आई मीन छोटे दायरे, छोटे शहर में तो आपको फैलाना पड़ेगा, बड़े शहर में मे बी 5 किलोमीटर इज सफिशियंट, 3 किलोमीटर भी सफिशियंट हो सकते हैं, काफी हो सकते हैं। नंबर 5, अपनी वेबसाइट पे एक कोई सी भी अपने ज़हनी तौर पे आप एक प्राइस फिक्स कर लीजिए जी, मैं पर स्क्वायर फुट इतना चार्ज करूंगा और अपनी वेबसाइट पे ठोक दीजिएगा के और पुट इट इन अ स्टाइल ये कि ये 2017 की ये प्राइसेस हैं, 2018 की ये प्राइसेस हैं, 2019 की ये प्राइसेस हैं, ताकि पता चले कि ये बंदा ही नोज कि ये क्या मांगना चाह रहा है एंड हैगलिंग कम होगी इसमें और उनको पता होगा कि दिस इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट। हैगलिंग हर बिजनेस में होती है अगर बंदा मुनासिब सी हैगलिंग करता है। हैगलिंग का क्या होता है, यानी प्राइस कम करो आपके साथ करते हैं तो देन मुनासिब सी अगर वो ज्यादा पुश करते हैं यार कहते हैं जी कम करो तो खुद हिसाब लगा लेना क्या करना है, बट डेफिनेटली एक प्राइस सेट कर लो और उसको पब्लिश कर दो। अगेन आपकी अथॉरिटी उसमें दिखाई देगी एंड इट वुड लुक लाइक यूर अ प्रोफेशनल पर्सन। हर शहर में एक इलाका होता है जहां पे न्यू बिल्ड्स बननी होती हैं, कोई कम्युनिटी होती है, कोई टाउन होता है, कोई किस्म का कोई भी इलाका होता है जहां पे हमेशा बिल्डिंग हो रही है। तो आपने क्या करना है, न्यू सिटी हो सकती है, आपने क्या करना है उस इलाके में जाके जितने एम्प्टी प्लॉट्स हैं वहां पे अपना एक साइन खोद देना है प्लॉट में, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग जाएंगे या तो प्लॉट खरीद रहे हैं और या वो उसका कोई ना कोई ताल्लुक है उस इस काम में ऐसे बंदों को जिनको ऑटो कैड डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी। सो आपके ज्यादा इम्कान हैं कि वहां से आपको काम मिल जाएगा और जो मोमन वहां से लोग गुजर भी अपना ये जो होते हैं बिल्डर वगैरह ये लोग भी गुजर रहे होंगे, जाहिर है उन्होंने अपनी वर्क साइट्स पे जाना है ताकि जो मकान है वो मुकम्मल करें एंड देयर इज अ हायर चांस कि आप वहां से बिजनेस उठा लोगे। सो जहां पे भी वो नए इलाके बन रहे हैं वहां पे जाके अपने साइंस ठोक दो खाली प्लॉटों में। और ऐसे करने से क्या होता है कि इट शोज इनिशिएटिव, इट शो एंड बंदे जो है ना दे ऑलवेज वांट टू बी विद सक्सेसफुल पीपल, दे ऑलवेज वांट टू फॉलो पीपल जो अपना जानते हैं, अपनी वैल्यू जानते हैं और अपना खुद जो मसला होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो जब वो देखेंगे यार कितना बंदा एक्टिव है यार अपने साइंस अपना यहाँ पे ठोक के जा रहा है, इट विल गिव देम कॉन्फिडेंस कि ये बंदा काबिल लगता है इसीलिए कर रहा है। वो भी बच्चा है जिसने पास किया और बस गुम हो गया क्राउड में, हुजूम में गुम हो गया, जी मुझे नहीं पता गा कैसे मुझे कोई सैलरी हाथ में आके कर देगा, वो भी लोग हैं उनको दफे मारे। You are an active person, so you are आपको इंशाल्लाह ज्यादा सक्सेस मिलेगी बिकॉज आप प्रोएक्टिवली जाके कस्टमर्स को ढूंढ रहे हो। नंबर 7, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी और के साथ उनका प्रोडक्ट यानी प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल करो एज इन कोलैबोरेशन, ठीक है, या आप किसी फर्म के पास जाओ और उनके लिए मुफ्त का काम करो कहो जी एंड जस्ट टू गेट इनसाइड ताकि आपका अपना कदम रख लो उस इंडस्ट्री में, आप एक्सपीरियंस हासिल कर सको और आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ा सको। लेकिन शुरू में उनको बता देना कि मेरी नीयत ये है और मैं इसलिए कर रहा हूं, यानी उनको हिला नहीं देना बिल्कुल मुफ्त काम पे, उनको बता दो कि 1, 2, 3 मैं मुफ्त करूंगा एंड आफ्टर दैट मुझे पैसे चाहिए, आई नीड टू एक्चुअली चार्ज, दुनिया पैसे पे चलती है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर समबडी सेज। और ये आपके अगेन रिस्पेक्ट की बात है कि आप जब उनको शुरू में बता दोगे उनकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बेशक वो मुंह पे नहीं बोलेंगे दबाने की कोशिश करेंगे पर इंटरनली साइकोलॉजिकली उनके जहन में ये बैठ जाएगी बात कि ये बंदा बड़ा रिस्पेक्टफुल किस्म का बंदा है एंड ही इज अ गो गेटर, इसको पता है इसको क्या चाहिए एंड इसको किस मकाम पे पहुंचना है। एंड अगेन आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करोगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी एंड काम ही लोग होते हैं जो कहेंगे नहीं यार दफा हो जो मैं नहीं चाहता मेरे गाहक आपकी तरफ चले जाएं, आप अपने बिल्ड करोगे, ठीक है। और दुनिया जहान में ऐसे ही चलता है, जो नए लोग होते हैं जो नए लॉयर्स होते हैं वो लॉ फर्म्स में जाते हैं उनके साथ मुफ्त का काम करते हैं जस्ट सो दे कैन ऑल्सो बिल्ड देयर ओन पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स। नंबर 8, ये जो अभी पहले मैंने नंबर 7 की बताई है जहाँ पे आप लोगों के साथ कलेबोरेशन कर रहे हो, उसमें एक चीज आपने जरूर ठोकनी है, पैसे बेशक मुझे ना दो बट मुझे ये हक जरूर दो कि जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वहां पे बोर्ड मेरा लगा होना चाहिए या मेरा भी लगा होना चाहिए कि ये मैंने कहा था क्या कहा था आसिफ ऑटो कैड कहा था जो भी कहा था आसिफ ऑटो कैड का भी वहां पे लगा होना चाहिए कि आसिफ ऑटो कैड ने डिजाइन की है या आसिफ डिजाइन ने की है और वो इतना तो आपको फायदा होना चाहिए। और जो आप अपनी खुद बनाते हो और उनको ये भी कहना है कि ये बिल्डिंग मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी फेंकनी है, ठीक है, ये नौकरी नहीं जी आप नहीं फेंक सकते, उसमें भी आप फेंक दो और बेशक लिख दो ये कोलैबोरेशन था फला फला फर्म के साथ।
तो जो आप अपने 100% करते हो तो उसमें तो आपको पता है ये बेवकूफ़ी होगी अगर आप उस पर अपना बोर्ड नहीं लगाओगे, उन पर भी अपना बोर्ड लगाओ। एंड द बेस्ट जो कस्टम मिलता है वो आप हज़ार बातें बता सकते हो जी मैं दुनिया का बेस्ट डिज़ाइनर हूँ, लेकिन जब आपकी कोई चीज़ देख लेगा ना उसकी काफ़ी कदर होती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। खास तौर पर कोई गुजरे कहेगा यार ये आसिफ वालों ने बनाई है यार, इनको फ़ोन करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बोर्ड लगा हुआ और सामने चीज़ भी दिखाई दे रही है, काम की चीज़ है। एंड यू विल गेट अ लॉट मोर बिजनेस दिस वे, सो मेक श्योर अपने बोर्ड लाजमी ये जो कोलेबोरेशन कर रहे हैं इन पर ठोकने हैं। एंड एक और तरीका होता है कि यार आप यानी डिपेंड्स कि आप किस रिलीजन से, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप ये जो रिलीजियस होती हैं मस्जिदें होगी मंदिर वगैरह होगी, यू कैन मेक दीज, आप ये डिज़ाइन करके दे सकते हो मुफ्त के, लेकिन अगेन है बेशक आप सवाब के लिए कर रहे हो, भलाई के लिए कर रहे हो, बट स्टिल अपना बोर्ड जरूर ठोकना। और क्या होता है उसकी जो कम्युनिटी होती है ना वो यानी उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जाहिर है उमूमन जो इन चीज़ों को अपहोल्ड करते हैं वो थोड़े वेल्थी होते हैं, एंड कल वो बताएंगे नहीं आप फलां फलां से ले लो, फलां फलां से, बड़ा नए किस्म का बच्चा। ओके सो रिमेंबर दैट तरीका अज़ वेल, ये भी जाहिर है एक बिजनेस का अजर भी है एंड दुनिया भी है दीन भी है। नंबर 9, आप पैसे ऑनलाइन किस तरह कमा सकते हो। आप क्या करो, 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom के विलेज हाउसेज टाउन हाउसेज बंगलोज ऑफिसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा के डिजाइंस प्री डिजाइंस बना के, इनके 4-5 डिफरेंट बना के आप वेबसाइट्स पे बेच सकते हो, जहां पे आप अपलोड कर देते हो और फिर बाद में लोग आते हैं वहां से पैसे दे के खरीद लेते हैं, और वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो आप जो पैसा होता है 50-50 या जो भी है 60-40 आपके साथ बांट लेती हैं। एक तो है houseplan.com, दूसरा ग्राफिक रिवर, ठीक है, इन वाटो का इन पे, और एक और है टर्बो स्क्विड, तीनों पे आप ठोक सकते हो एंड दे विल शेयर एंड लुक ऑनलाइन, आपको और भी मिल सकते हैं ये, लेकिन इन तीनों को मैं डेफिनेटली जानता हूँ। एंड ग्राफिक रिवर और एनवाटो का ये जो बाकी प्रॉपर्टीज है टर्बो स्क्विड इन पे तो आई एम अ कस्टमर। जो houseplan.com इस पे मुझे किसी ने रेफर किया कि आप इस पे ऑटो कैड के डिजाइन बेच सकते हो आर्किटेक्चुरल। इसके अलावा freelancer.com पे काफी लोग जाते हैं AutoCAD designs लेने के लिए, Upwork, ये freelancing websites हैं। और फिर आपको आपने सुना होगा Fiverr का, Fiverr पे मुझे नहीं पता कैसे आप स्टार्ट करोगे, आप बेसिक डिजाइन लगा सकते हो या तो स्लाइट मॉडिफिकेशन $5 की लगा सकते हो, लेकिन उसमें हमेशा चांसेस होते हैं, आप ये भी कह सकते हो जी 4 गिग्स होंगी यानी $20 होंगे तो फिर मैं आपको डिजाइन दूंगा, फिर यू कैन डू इसके साथ आप प्ले कीजिए, बट अगेन कोई पता नहीं होता कि अगला गाहक कहाँ से आएगा। सो जितना जाल फैलाएंगे चौड़ा यानी जितना खुला फैलाएंगे उतनी चांसेस है कि आपका कोई गाहक उसमें फंसेगा, ठीक है। सो ये ऑनलाइन का एक तरीका है। नंबर 10, मैंने कहा था कि AutoCAD सिर्फ बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है, ऐसे भी है कि जहाँ पे आप कोई किस दूसरा किस्म का मुजस्मा बना सकते हो, कोई गन, कोई जहाज, कोई गाड़ी, कोई सीनरी बनाते हो। एंड क्योंकि मैंने आपको बताया हम इन द गेमिंग इंडस्ट्री, और हम काफ़ी ये मॉडल्स लेते हैं अपनी गेमों में डालने के लिए, और एनिमेशन इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। सो उस बिना पे आपने क्या करना है, आप अगेन टर्बोस्क्विड पे जा सकते हो, यूनिटी 3D पे जा सकते हो, आप ग्राफिक रिवर पे जा सकते हो, वहां पे आप अपने 3D वगैरह मॉडल्स बेच सकते हो। हमने तो अगेन टर्बोस्क्विड में हजारों डॉलर्स खर्चे एंड हमने खर्चे ऑन यूनिटी 3D, वहां से हम रेडीमेड मॉडल्स लेते हैं, और वो जरूरी नहीं कि एक बार बिकता है, वही आप गाड़ियां चढ़ाते हो वो हजारों गाहक वही गाड़ियां अपने अपने स्टूडियो के लिए ले सकते हैं एंड लेते भी हैं, और फिर उसका आपको हमेशा मुआवजा मिलता रहता है, कमीशन मिलती रहती है। उसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको 3D प्रिंटिंग हम बोलते हैं, वो प्रिंटर होते हैं जो यानी पूरे का पूरा मुजस्मा प्रिंट कर देते हैं। अब मैं नहीं समझाता अगर आपको नहीं पता क्या होता है, लेकिन उसमें भी AutoCAD के मॉडल बिकते हैं, और ये इंडस्ट्री हर साल 4 गुना बढ़ रही है, यानी एवरी ईयर इट्स क्वाड्रुपलिंग। और अगर आपको इनकी मार्केट प्लेसेस चाहिए, 40-50 मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप इनको बेच सकते हो, तो मेरे पास वो टाइम नहीं है टू एक्चुअली लिस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ देम। आप गूगल में जाइए और सिंपली लिखिए वेयर टू सेल 3D मॉडल्स, बस वेयर टू सेल 3D मॉडल्स या 3D मॉडल मार्केट प्लेसेस, या आप गूगल में डालिए और काफ़ी रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप उनको फॉलो कीजिए, और वहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा एंड देन यू कैन अपलोड ऑल योर डिजाइंस, और एक ही डिज़ाइन आप सभी में अपलोड कर सकते हो, कोई पता नहीं कहाँ पे किसको पसंद आ जाए, इट कुड बी वॉच, इट कुड बी अ नेकलेस, इट कुड बी अ गाड़ी, इट कुड बी अ खिलौना, कोई सी भी चीज़ हो सकती है, और वो लोग 3D प्रिंट जो कर सकते हो उस फॉर्मेट में आप अपलोड कर दो एंड देन इंशाल्लाह यू मेक लॉट ऑफ मनी। मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था एंड आई केम अक्रॉस अ बंदा जो $10,000 कमा रहे हैं फ्रॉम जस्ट वन मार्केट प्लेस। सो इंशाल्लाह अल्लाह करे आप भी $10,000 कमाओ फ्रॉम अ सिंगल मार्केट प्लेस, देख लो आप कितनी और मार्केट प्लेसेस हैं।
नंबर 11, अगर आप इतने काबिल हो चुके हो दैट यू कैन एक्चुअली टीच ऑटोकैड और आपकी अंग्रेजी भी ठीक ठाक है, तो आप ऑटोकैड्स के ट्यूटोरियल्स बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। वहां पे दो अपॉर्चुनिटीज है पैसे कमाने की। नंबर 1, आप इश्तिहारों से पैसा कमाओगे। नंबर 2, हर वीडियो के एंड पे अपने डिटेल्स डाल दो कि अगर आपको डायरेक्ट मुझे हायर करना है तो ये मेरे डिटेल्स हैं। फॉरेनर्स भी आपको हायर कर सकते हैं, पाकिस्तानी भी आपको हायर कर सकते हैं, और क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार आप मास्टर हो, एक आप चीज सिखा रहे हो, तो उनको जो कॉन्फिडेंस है आप में वो काफी बढ़ जाएगा एंड दे विल बी लेस हेजिटेंट, यानी वो कम झिझकेंगे आपसे रابطہ करने में, एंड दे विल बी मोर ईगर, यार इसको नहीं करते, इसको नहीं पता, ये बंदा कम से कम सिखा तो रहा है, ये उस्ताद है इस चीज का, तो दे विल हायर यू। एंड अगेन, आप अपना वो जो नेट है फैला रहे हो, पहले कार्ड्स पे था, फिर अपने रिश्तेदारों से स्टार्ट किया, अब आप इंटरनेट पे दुनिया को ओपन कर रहे हो, मेरी दुकान दुनिया पे खुली हुई है, जो भी है मेरे पास आके अपना काम करवा ले। सो यूट्यूब वीडियोस। नंबर 12, आज मैंने तकरीबन 4 घंटे गुजारे एक बंदे से, पाकिस्तानी बंदा है फ्रॉम लाहौर जो ये काम कर रहा है, तो उनके मुताबिक एंड प्लस ऑब्वियसली फ्रॉम यू आई एम आपको भी समझा रहा हूँ, आप कोर्सेज कर सकते हो, जिस तरह आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हो ना, इस तरह आप कोर्सेज ट्यूटोरियल्स के बना सकते हो, एंड यू कैन सेल देम ऑन Udemy, यू कैन सेल देम ऑन Skillshare, एंड यू कैन सेल देम ऑन Adobe Know-how। ये 3 मेजर मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे आप कोर्सेज बना के, यानी कोई सा भी ट्यूटोरियल, एक बुकलेट, एक सिस्टम बना के आप वहां पे अपलोड कर दो, $30 की लगा दो, $40 की लगा दो, $3 का पर लेसन लगा दो, या 10 lessons 25 के लगा दो, आपकी अपनी मर्जी। आप 100 भी होंगे फिर भी लोग वहां पे पैसे दे के आपके lessons ले रहे होंगे, सो इट्स लाइक आप छुट्टी पे भी हो फिर भी पैसे कमा रहे होंगे। एंड अगेन, एक ही लेसन है, सभी में अपलोड कर दो, ठीक है। एंड दैट्स, ये थे 12 तरीके टू मेक मनी फ्रॉम ऑटोकैड। आई होप कि अब ये वेरी संजीदा किस्म का वीडियो है, मैं कम ही उछल रहा हूँ जो मेरी आदत होती है उमूमन। सो अगर आप यहाँ तक देख चुके हो देन माशाल्लाह यू आर वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग कि इसमें से कैसे पैसे कमाते हैं, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि हमारे पास हजारों बच्चे अब आ चुके हैं जो ऑटोकैड कर सकते हैं बट उनको पता नहीं कि पैसे इस हुनर से कैसे लेने हैं। एंड आई होप कि जो मेरे वीडियो से आप सीखे हो। उसके अलावा नीचे chaiwala.com इधर होगा जितने भी है वहाँ पे जाना मत भूलिएगा, वहाँ पे यू कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद एक्चुअल बिजनेस पीपल। एंड डू लाइक माई वीडियो, शेयर वगैरह, एंड आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको, आपके पास कोई रिसोर्स है, आप मजीद इसमें इजाफा करना चाहते हो, तो हमेशा अगर आप फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, कमेंट्स हमेशा मौजूद होते हैं नीचे, कोई ना कोई पढ़ेगा जरूर, वहां पे आप लिख दीजिएगा। मैं हूँ आजाद चाय वाला, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।